नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक कानूनी मसले को लेते हैं, उसकी चर्चा अपने विशेषज्ञों के साथ करते हैं, साथ में कार्यक्रम में आपको भी जोड़ते हैं। आपके सवाल, आपके राय को हम इस कार्यक्रम में रखते हैं ताकि आपके सवालों का निपटारा हम करने की कोशिश अपने विशेषज्ञों के द्वारा कर सके। आज कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को छूने जा रहा हूं जो शायद कानून बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है और अब ये अच्छी खासी जो है आमजन से जुड़ गई है, वो है नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट तटस्थता। आखिर इसका मतलब है क्या? कहा जा रहा है कि जो हम अब तक मोबाइल पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे और जो हम अब एक ही चीज की डाटा की हम कीमत देते थे, अब कंपनियों का मानना यह है कि चूंकि उनको इन सेवाओं की वजह से काफी कुछ घाटा झेलना पड़ रहा है या उनको नई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उनके करोड़ों के इस कारोबार में नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में वो इसकी कुछ अलग कीमतें वसूलना चाहते हैं आम जनता या ग्राहकों के द्वारा। तो टेलीकॉम की जो नियामक संस्था है ट्राई, उसने आम जनता से ही नेट न्यूट्रलिटी पर राय मांगी है कि आखिर वो क्या इस बारे में सोचते हैं। हम कार्यक्रम में आज बात इसी विषय पर करेंगे कि नेट न्यूट्रलिटी या इंटरनेट तटस्थता कितना महत्वपूर्ण है और जो ग्राहक के नजरिए से है वो कितना महत्वपूर्ण है, और फिर जो बाजार, जो कंपनियां कह रही हैं टेलीकॉम कि उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में भी सोचा जाए तो उनकी भी बात कितनी वाजिब है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं रवि विश्वेश्वरैया प्रसाद जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, सर आपका स्वागत है, और मेरे साथ है अरविंद गुप्ता जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सर आपका भी स्वागत है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट नहीं हूँ, पवन दुग्गल जी हैं, मैं भाजपा को रिप्रेजेंट करता हूँ और एक आईटी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। बिल्कुल, तो ये आईटी एक्सपर्ट हैं अरविंद जी। तो चर्चा की शुरुआत में अरविंद जी आपसे ही करता हूँ, जो नेट न्यूट्रलिटी पर इतनी चर्चा हो रही है और अब अच्छी अच्छी खासी जो है आम जनता की चर्चा पहुंच रही है, तो दर्शकों के नजरिए से आप ये बताएं कि किस तरह की बात करता है ये जो इंटरनेट तटस्थता की बात हो रही है। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि ये क्या कहता है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप बिजली खरीदते हैं अपने घर में, जितनी बिजली कंज्यूम करते हैं उतनी बिजली के पैसे देते हैं घर में। अब आप उसके आगे टोस्टर चलाते हैं कि एयर कंडीशनर चलाते हैं कि पंखा चलाते हैं, जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होती है उतने ज़्यादा आपके यूनिट लगते हैं, आप उतनी बिजली देते हैं। नेट न्यूट्रलिटी यही कहता है। बिजली कंपनी आपसे ये नहीं कहती हैं कि आप टोस्टर नहीं लगा सकते या आप रेफ्रिजरेटर नहीं चला सकते। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट भी है। आप एक इंटरनेट कंपनियों के द्वारा एक बैंडविड्थ खरीदते हैं कि हम इतनी महीने में इतनी इतनी ट्रांसफ़र, जो बैंडविड्थ जिसे कहते हैं, हम उसको खरीदते हैं, उसकी एक पेमेंट करते हैं। जो कंपनियाँ अपना कंटेंट होस्ट कर रही हैं दूसरी तरफ पर, वो भी उन्हीं इंटरनेट कंपनियों से बैंडविड्थ खरीद रही हैं और अपना कंटेंट होस्ट कर रही हैं। इंटरनेट कंपनियां बीच में एक बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रही हैं। आप कुछ भी कंज्यूम करें, कोई सी भी साइट देखें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर और उसको करें। अगर आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम होती है तो आपका पैक, जो भी आप खरीदते हैं इंटरनेट बिट्स एंड बाइट्स, वो जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, और अगर आप कम करते हैं तो आप उतनी पेमेंट करते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब। और दूसरी चीज़ क्या है, आपकी स्पीड सेम रहेगी और किसी भी वेबसाइट, कोई ज़्यादा तेज नहीं है, कोई ज़्यादा कम तेज नहीं है, सब चीज़ बराबर स्पीड से आपके पास आएंगी। अगर दूसरी साइट सर्वर की स्पीड सेम है, कई बारी सर्वरों की अपनी वो कंपनी की इच्छा है, वो अपने कितने सर्वर लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते, लेकिन इंटरनेट कंपनी ये नहीं डिसाइड करेगी कि किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसकी स्पीड कम। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ क्या है, किसी भी कंटेंट को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम जो डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, किसी भी कंटेंट को तो ऊपर या नीचे नहीं किया जाएगा ताकि कोई पेमेंट करे। तो आप ये समझिए कि एक इसमें जो मेरी बहुत बड़ी इसमें विडंबना है कि अगर कल को कंटेंट की थ्रॉटलिंग होने लगती है, एक तो वेबसाइट की थ्रॉटलिंग होने लगती है कि आप किसी एक वेबसाइट को स्लो कर दें, किसी को तेज कर दें, किसी एप्लीकेशन को स्लो कर दें, किसी को तेज कर दें, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो मुझे डर लग रहा है कि आप कंटेंट को ही ऊपर नीचे करने लगे। एक कंटेंट आपके पास जल्दी आ जाए और दूसरा कंटेंट जो बहुत महत्वपूर्ण हो, लेट्स से पॉलिटिकल सेंस में बहुत महत्वपूर्ण हो, वो आपके पास 6 घंटे के बाद में आए,
तो 6 घंटे में तो राजनीति बदल जाती है। बिल्कुल। तो जैसा कि बताया भी अरविंद जी ने, और कि नेट न्यूट्रलिटी या इंटरनेट तटस्थता वो सिद्धांत है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देंगी। लेकिन जैसा कि अभी अलग तरह की चर्चा छिड़ी है, और ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां या इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली जो कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि उनका जो अपना एक जमा जमाया कारोबार था या उनका जो तरीका था उससे इसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा है जैसे व्हाट्सएप जैसी एक ऐप जो या तो लगभग फ्री है या फिर थोड़ी हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है जो हम डाटा लेते हैं, उसने SMS जैसी सर्विस को लगभग लगभग खत्म कर दिया है। तो ऐसे ही वो और चुनौतियों पर भी बात कर रही है कि इंटरनेट पर जो कॉलिंग होती है, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कई कॉलिंग इंटरनेट पर ऐसी भी हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय काफी सस्ती पड़ती हैं, तो वो भी एक अलग तरह की चुनौती है। तो कंपनियां उन बातों को आगे रख रही हैं कि वो उनके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि चर्चा के शुरुआत में मैंने कहा था कि इस कार्यक्रम में हम न केवल अपने विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं बल्कि आपके सवाल या आपके राय को भी इस मंच पर रखने की कोशिश होती है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1153-14 पर फोन कर सकते हैं, या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे दिल्ली का कोड 011 लगाकर 2303-5420 पर। आपके सवालों आपके राय का इस मंच पर स्वागत रहेगा। रवि विश्वेश्वरैया जी, जैसे कि हमने अभी बात की नेट न्यूट्रलिटी की, तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो जो चुनौतियां आप गिना रही हैं उस चुनौती को किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही किया था कहे थे, परंतु मैं ये पहले बोलना चाहता हूँ कि अंतरजाल की निष्पक्षता ये एक अत्यंत कठिन समस्या है जिसका कोई सरल समाधान नहीं है। और एज अ पर्सन हु हैज डिजाइन नेटवर्क्स फॉर द लास्ट 25-30 ईयर्स, आई कैन से दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिकली डिजाइन अ नेटवर्क विच इंप्लीमेंट्स नेट न्यूट्रैलिटी। द प्रोपोजिशन ऑफ नेट न्यूट्रैलिटी इज दैट ऑल बाइट्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल, दैट द पर्सन हु प्रोवाइड्स द पाइप्स शुड नॉट कंट्रोल द वॉट फ्लोज थ्रू द पाइप्स विच ही ओन्स, दैट यू कैनॉट स्पीड अप सर्टन कंटेंट टू पीपल हु हैव पेड यू, दैट यू कैनॉट स्लो डाउन सर्टन कंटेंट, उनकी तीव्रता ज्यादा नहीं कर सकते कि कम नहीं कर सकते, यू कैनॉट ब्लॉक एक्सेस टू एनी लीगल कंटेंट, यू कैनॉट स्पीड अप कंटेंट टू पीपल हु हैव पेड यू, यू कैनॉट स्लो डाउन कंटेंट ऑफ पीपल हु हैव नॉट पेड यू, यू हैव टू ट्रीट ऑल ट्रैफिक दैट फ्लोज द सेम। नाउ एज दिस इज समथिंग दैट कैनॉट बी इंप्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस, यू कैन कीप हैविंग ऑल द डिबेट्स यू लाइक, बट एज अ टेलीकॉम इंजीनियर आई कैन सी यू कैनॉट इंप्लीमेंट दिस इन प्रैक्टिस। नाउ बिकॉज द होल इंटरनेट बाई इट्स वेरी नेचर, जब अंतरजाल का निर्माण हुआ था इन द 1960s, इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक द समानता जो है वो पोस्टल सिस्टम के सहित है, वेयर यू डिफरेंट टाइप यू हैव एन एड्रेसी पैकेट विच गिव्स द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट। नाउ वॉट हैपन्स, द वे द इंटरनेट वर्क इज अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज ब्रोकन अप एट द सेंडर्स एंड इन टू डिफरेंट पैकेट्स। Each packet has a header which says where it is, who the destination is, and how the content is to be treated. Okay, so discrimination or prioritization is built in at that into the very nature of how the packets are treated. Now, the internet works doesn't operate as a straight pipe; it operates based on a store and forward basis. So different packets can reach at different rates. Like suppose I'm going to send a letter from Delhi to Chennai. I have to send a series of letters from Delhi to Chennai. One letter may go Delhi, Raipur, Hyderabad, Chennai. Another may go Delhi, Nagpur, Bangalore, Chennai. Now, also what happens is that different sometimes a letter which is sent later will reach earlier than a letter which is sent earlier. So, at the receiving end, the computer at the receiving end puts all the bytes back into the order in which they're supposed to be. Now, there are prioritization is given because there are certain applications which are time sensitive, like real time video streaming is time sensitive. Like if I want to see a movie in real time, that's time sensitive. But if I want to download that movie and watch for later, that is not time sensitive. Okay, because it is like, I'll give the analogy, like we are having a live broadcast. You cannot put the 25th to 45th minute of our broadcast first and the first to 20th minute of our broadcast later on. So in when the system breaks up the packets at the sender's end, it says that how each packet is to be treated, and the analogy is taken directly from the postal service, that you have normal post, you have speed post, you have courier, then you have sea mail, you have cargo mail, all are treated differently. Now this is your the proponents of net neutrality are trying to implement this system
टू अ पब्लिक यूटिलिटी सिस्टम लाइक द इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम. नाउ दिस डजंट वर्क एंड यू कैन नॉट बिल्ड अ नेटवर्क यू डजंट हैव बिल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन. सी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी टिम वू हू ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट. ही टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम द ओल्ड एरा ऑफ कॉमन कैरियर्स ऑफ अ टेलीकॉम नेटवर्क विच वॉज बेस्ड ऑन वॉइस नेटवर्क्स प्री 1980 वॉइस नेटवर्क्स and tried to implement it onto the packet switch network. These two types of networks, packet networks and voice circuit switch, Bilkul. voice networks operate on totally different principles. बिल्कुल मैं अरविंद जी आता हूँ. अभी ब्रेक का समय हुआ है. ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो बात इसी पे जारी रखेंगे जो नेट न्यूट्रलिटी की बात कही गई है, साथ में जो टेलीकॉम कंपनियां अपनी चिंताएं जाहिर कर रही है उसके बारे में बात करेंगे. इन सभी बिंदुओं पर आगे चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है. कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट तटस्थता की. और कार्यक्रम में हमारे साथ तीसरे हमारे मेहमान पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं. साइबर विशेषज्ञ हैं, अधिवक्ता भी हैं. सर आपका स्वागत है. और कार्यक्रम में हम पहले चरण में बात कर रहे थे नेट न्यूट्रलिटी आखिर होता क्या है और किस तरह से जो टेलीकॉम कंपनियां जो अपना एक चिंता जाहिर कर रही हैं इसको लेकर, उस विषय पर आप अपनी राय रखें. देखिए मुझे लगता है इंटरनेट जो है एक धरोहर है मानव मात्र के लिए. तो अगर आप धरोहर को तलवार के तौर पर इस्तेमाल कर लोगों में विभाजन करेंगे तो वो ना तो लोग इसको टॉलरेट कर पाएंगे ना ही आपको इतिहास कभी माफ कर पाएगा. मुझे लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव है कि साहब हम तो आपको स्पेशल सर्विसेज देंगे, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और क्योंकि स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं इसलिए हम आपसे स्पेशल पैसे भी चार्ज करेंगे. कहने को बहुत अच्छा है बट ये अल्टीमेटली किसके कॉस्ट पे किया जाएगा? उन गुमनाम उपभोक्ताओं की कॉस्ट पे किया जाएगा जिनके पास इतनी क्षमता विद्यमान नहीं है कि वो पैसे देकर इस तरह की बेहतरीन सर्विसेज ले सकें. और कहीं ना कहीं आप इंटरनेट के माध्यम से विभाजन कर पाएंगे डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के बीच में. वो अगर आप लॉन्ग टर्म पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हनन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया होगा. देखिए मार्च एक ऐतिहासिक महीना था सन 2015 में, जहां 24 मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विजय प्रदान करी भारतवासियों को. धारा 66A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून को असंवैधानिक घोषित करके, वहां उसके 3 दिनों बाद एक बिल्कुल यू टर्न सा हो जाता है. 27 मार्च सन 2015 को TRAI ये अपना कंसल्टेशन पेपर प्रारंभ करता है नेट न्यूट्रलिटी को लेकर. अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखें तो ये पेपर भी एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से देखते हुए बनाया गया है. ये नहीं है कि आप स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से अलग अलग प्रपोजिशंस लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं जो आपको मालूम है एक पर्टिकुलर किस्म का जवाब ही आ जाना चाहिए. और मुझे लगता है कि हर प्रत्येक भारतवासी को न केवल जीवन जीने का मौलिक अधिकार मौजूद है धारा 21 संविधान के तहत, लेकिन इसी के तहत आपके इंटरनेट का एक्सेस करना भी एक बेसिक फंडामेंटल राइट है. और अगर आप इस तरह के प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे तो आपका जो इंटरनेट को एक्सेस करने का मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा, आपकी सिविल लिबर्टीज का हनन होगा और अल्टीमेटली आप भारत में मोबाइल वेब को नुकसान ही करेंगे, उसकी जो ग्रोथ है उसको संकीर्ण बनाएंगे और कहीं ना कहीं ये ना तो भारतीय समाज ना भारतीय राष्ट्र के लिए किसी प्रकार से प्रतिभाशाली. कहा भी जाता है कि वर्तमान युग में इंसानी जो दिमाग की खोज में इंटरनेट एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और इसने एक क्रांति भी पैदा की. और हमने देखा विगत दिनों में जो लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा चुनाव अब लड़े जा रहे हैं कि इसका कितना इस्तेमाल अब सार्वजनिक जो है मंच पर भी किया जा रहा है. तो इसकी अपनी एक उपयोगिता. और पवन दुग्गल जी ने जैसे कहा कहीं ना कहीं ये हमारे जो हो सकता अधिकारों का हनन की तौर पर. अभी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़े हैं अजय कुमार बिहार से. अजय जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल. नमस्कार. नमस्कार जी, मैं अजय कुमार सिंह अररिया बिहार. अजय जी आज के दौर में जबकि इंटरनेट युग है और इंटरनेट के इस युग में सामान्य लोगों के लिए इंटरनेट के यूज से संबंधित मायने तय करना क्या यह लोगों के साथ इस आधुनिक युग में धोखा नहीं है? ऐसे में जबकि टेलीकॉम कंपनियां लोगों को SMS तय की देते हैं 30 दिनों के लिए और उसमें उनका कोई शर्त नहीं होता, लेकिन ये त्योहारों के समय में बोलते हैं कि इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं और उस गणना में उस दिन को वो बात नहीं करते हैं, 28 दिन पर भी समाप्त कर देते हैं. तो क्या यह आम ग्राहकों के अधिकार का हनन नहीं होगा?
अजय जी की इस बात को हम समझ गए। हम अरविंद जी के पास जाते हैं। अरविंद जी, जैसे कि हमारे कॉलर साहब ने पूछा है कि देखिए, सब लोग एक बात में सहमत हैं कि कंज्यूमर जो है, फाइनली हमें दो चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में अभी करीब 25 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं। हमारी सरकार का तो ये एम है कि ये सारे, हर भारतीय के पास एक इंटरनेट एक्सेस हो। इस तरह की अगर हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो इसमें ये, जैसे पवन जी ने बोला, ये इंक्रीज नहीं कर पाएगा। दूसरा, मैं इसमें एक बहुत बात कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत स्क्यूड वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रेजेंट करेगा आपको। आपको जो, जिसे कहते हैं, अगर 4-5-10 सर्विसेज फ्री मिल रही हैं, वो सर्विसेज ही आपकी इंटरनेट की दुनिया होगी। स्टार्टअप्स स्टॉप हो जाएंगे, इनोवेशन किल हो जाएगी, क्रिएटिविटी किल हो जाएगी। फाइनली आप ये देखिए कि इंटरनेट इसलिए प्रॉस्पर किया था क्योंकि हर इंटरनेट टाइम फ्रेम में 18 महीने में, 12 महीने में एक नई नई कंपनी पैदा हो जाती है। आज की जो छोटी कंपनी है वो कल की बड़ी कंपनी है। इस तरीके से तो हमारी कंपनियां अगर बाहर जाएंगी, देश के बाहर जाएंगी, तो बड़ी नहीं हो पाएंगी, और हिंदुस्तान की छोटी कंपनियां बड़ी नहीं हो पाएंगी क्योंकि एक बड़ी कंपनी ने बोल दिया यही इंटरनेट है और यही आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो या यही वेबसाइट यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत डेंजरस मूव है। कंज्यूमर्स को फ्रीडम नहीं है कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते। और कहीं जहां इंसेंटिव की बात रही, उसके बहुत सारे तरीके हैं और वो बड़ी डिबेट में आ सकते हैं, लेकिन ये एक एंटी कंज्यूमर है और ये चीज को बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। पवन दुग्गल जी, जैसे कि हम इसे कह रहे हैं कि ये उपभोक्ताओं के या आमजन के नजरिए से देखें तो उसके खिलाफ नजर आती है, और नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो कंपनियां हैं जो अपनी चिंता जाहिर कर रही हैं, वो कहती हैं हमारा इतना पैसा लगा है, हमारे बारे में भी कुछ सोचे, तो उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, जो कंपनियां कहती हैं उनकी अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा का भी कुछ औचित्य नजर आता है। औचित्य यह है कि साहब, हमारा रेवेन्यू कम होता जा रहा है, हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन जो अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है मुझे लगता है वो बुनियादी तौर पर गलत है। यहां पर मुख्य मुद्दा नेट न्यूट्रलिटी में ये नहीं है कि उपभोक्ताओं को अपने पनिश करना है। मुख्य मुद्दा यह है कि ये जो नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसे हम ओवर द टॉप एप्लीकेशंस या OTTs कहते हैं, आप उसे किस तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे, ये मुद्दा है। अब अगर आप चाहते हैं कि उसका नियंत्रण की तरफ ध्यान ना देते हुए आप बेसिकली उपभोक्ताओं को पनिश करेंगे, उनके पैसे झाड़ेंगे उनके जेब से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत डायरेक्शन में एक गलत सा रास्ता होगा। कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में सरकार को एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां हम सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। हमारे यहां सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हाल ही में आज ही मंत्री जी का एक घोषणा भी आ गई है। यहां पर मंत्री जी ने कहा है कि साहब, हम इसमें क्योंकि ग्रेव पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को सुनेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि विनोद दुग्गल जी कह रहे हैं कि आज ही मंत्री जी का बयान आया है कि इसमें चूंकि लोगों का हित जुड़ा हुआ है तो उनकी भी बात इसमें सुनी जाएगी। अभी हमारे साथ विनोद महाराष्ट्र मुंबई से जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है, पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल नहीं है, मेरा एक कमेंट है जी। मुझे जिस तरह से TRAI का जो कंसल्टेशन पेपर बनाया गया है, मुझे लगता है वो TRAI में बनने के बजाय एयरटेल या रिलायंस के कंसल्टेंट ने बना के दिया हुआ ऐसा लगता है। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरी तरह से दिखाते हैं कि उनका आंसर यही आना चाहिए कि ये बराबर है। तो ये मेरे ख्याल से TRAI को पहले तो ये कंसल्टेशन पेपर को विड्रॉ करना चाहिए और गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि ये बंद करो, क्योंकि ये मेरे हिसाब से पार्डन नहीं सॉरी टिके हुए लोग हैं। बिल्कुल अरविंद जी, जैसे कि चर्चा चल रही थी शुरू में, तो जैसे कि हमारी भी जो चर्चा चल रही थी, हम देखते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी जैसे शब्द के बारे में आमजन की उतनी जानकारी नहीं थी। ये तो चूंकि अब एक बात आई है तो एक चर्चा का विषय बना है और हम देखते हैं जो है सोशल मीडिया इन सब चीज़ों पर ज़्यादा प्रचलित हुआ है, तो लोगों की चर्चा में आया है। अब चूंकि चर्चा में आया है तो लोगों ने ट्राई के उस पर जो लेटर को भी ध्यान से देखा है। अब अगर सवाल ये उठता है कि जो सवाल इस तरह से फ्रेम किए जाएंगे जिसके जवाब लगभग जो सहानुभूति बटोरने वाली होंगी टेलीकॉम कंपनियां या उसके, तो फिर लोगों के हित कहां जाएंगे? देखिए, मैं दो चीज मानता हूं।
मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि ये किसके कहने पे या ट्राई ने क्या किया है, वो ट्राई का आउटलुक है। लेकिन कंज्यूमर पावर, ये पीपल्स पावर को कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जितने मैंने इसके फेवर में ट्वीट और ईमेल्स जाते हुए देखे हैं, ये और ट्रेंडिंग हो रही है इंटरनेट पर, और ये कोई कोई ग्रुप नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं खुद। तो ये बॉटम अप प्रेशर बहुत हाई है इस चीज़ पर, जो चीज़ सही है और सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके जो सही डिसीजन होगा वो ही होगा इसके अंदर। पवन, ये किसी के प्रेशर में नहीं होगा। इंटरनेट इज अ ग्लोबल पब्लिक यूटिलिटी, इट इज, ये तो ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ देश हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है। तो हम लोग डिजिटल एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लॉबी में या कंपनी में बिलीव नहीं करते। सबको साथ रहकर, सबके लिए, जो सबके हित के लिए अच्छा है, सबका साथ सबका विकास होगा। बिल्कुल। पवन दुग्गल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो TRAI ने जो पूरा निकाला है, सलाह मांगी है, और जैसे दर्शकों की तरफ से भी कुछ सवाल खड़े हुए, तो आप उसके बारे में बताएं कि किस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए, TRAI, अगर आप TRAI Act देखें तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार को रिकमेंडेशन प्रदान करना टेलीकॉम सेक्टर में। लिहाजा अलग अलग वक्त पर, अलग अलग मुद्दों पर TRAI कंसल्टेशन पेपर लाता रहा है, स्टेक होल्डर्स से ओपिनियंस मांगी हुई हैं, और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशंस देता रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों में जितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, उसको देखते हुए शायद कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस आया कि ये जो ओवर द टॉप टेक्नोलॉजीज हैं, OTT एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल पर, वो बहुत ज़्यादा महत्व ले रही हैं, और उनको रेगुलेट कैसे किया जाए। तो मुद्दा तो ये था कि क्या आप OTT को रेगुलेट कर पाएंगे, क्या WhatsApp को रेगुलेट कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कैसा। लेकिन उसको एक दूसरी दिशा निर्देश की तरफ जोड़ दिया गया और कहा कि साहब ऐसा है, कहीं ना कहीं ये नेट न्यूट्रलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आज भारत जब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की ओर जा रहा है, आपको अपने जितने भी उपभोक्ता है उनका संरक्षण करना है, और ये उपभोक्ता आधार बन रहे हैं भारत के विशाल मोबाइल वेब को लेकर। इस तरह की अगर कुछ भी गतिविधि होगी तो मोबाइल वेब का सीधा जो विकास हो रहा है वो संकीर्ण हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बट मोर सिग्निफिकेंटली, कहीं ना कहीं भारतवर्ष की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो भी इंपैक्ट हो जाएगी कि साहब भारत करता क्या है। एक तरफ तो उसका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब आपकी ऑनलाइन फ्री स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां उसकी एक और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहती है कि चलिए रुकिए, आपकी स्पीच की हमको जरूरत नहीं है, पहले हम देखते हैं कि हम नेट न्यूट्रलिटी के माध्यम से हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा और बात करेंगे जो नियामक संस्थाएं हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अरविंद जी भी कह रहे थे कि अभी ट्रेंड कर रहा है, हम ट्विटर या फेसबुक पे देख रहे हैं कि लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो क्या कोई भी चीज, जैसे कि 66A का जिक्र हुआ था अभी, हम तभी उसके ऊपर ध्यान देंगे जब जनता का आक्रोश हमें दिखेगा, या पहले ही जो संस्थाएं इसके लिए बनाई गई है वो इस ओर ध्यान दे कि कहां जनता का हित है या कहां अहित होने जा रहा है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, संजय सिंह बिहार से है। संजय, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं संजय सिंह रैया बिहार से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मेरा ये कहना है सर कि भारत सरकार द्वारा दूर संवेदी उपकरण भेजे जाते हैं जिनसे कि इंटरनेट या नेट संचालन होता है, उसमें भारतीय करों के माने जो टैक्स देते हैं वो पैसे लगे होते हैं, उसके बाद सरकार आनंद फानंद में नीलामी करके और ये दूरसंचार कंपनियां जो है हम लोगों से मनमानी टैक्स वसूलती है, हर कंपनी के अलग अलग टैक्स हैं और उस पर से सरकार बिल ला रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के कंपनियों का हित साधने के लिए ही बिल लाया जा रहा हो। आज ये स्थिति बन गई है कि भारत का विकास, कभी कभी तो लगता है कि भारतीयों के हित पर, भारतीयों के कीमत पर किया जा रहा है, जहां भारत के आम नागरिक कहीं है ही नहीं। अरविंद जी, मैं रवि जी के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं आपके पास चला जाऊं, क्योंकि सवाल जो है वो व्यवस्था से जुड़ा हुआ पूछा गया है। कहीं ना कहीं एक शंका जाहिर हो रही है कि जो जो आम जनता के से जुड़े मसले हैं वो इसमें पीछे हो रहे हैं, और जो चीज़ें हैं, क्या आप संवादहीनता हो रही है? ये तो अभी संवाद चालू हुआ है इसका तो, लेकिन लोगों में परसेप्शन गलत जा रहा है। जो लोग देखिए, अभी मैं लोगों को जो एक बात कहना चाहूँगा, और ये हमें जो इंटरनेट एक्टिविस्ट कहते हैं, जो लोग इस विषय को समझते हैं, उनको सबको बधाई देनी चाहिए। ये विषय एक TRAI का एक पेपर के रूप में कहीं दब जाता, सब लोगों ने इसको मिलकर फोरफ्रंट पे लेकर आए हैं। तो यही तो पावर है सोशल मीडिया की और आज के डिजिटल वर्ल्ड की, जो हम चाहते हैं हरदम आगे तक बनी रहे।
जब ये आज तो ये मेन स्ट्रीम इशू हो गया है और ये कोई ये तो और जनता की आवाज़ है, हर किसी के पास पहुंच रही है, हर कोई डिबेट कर रहा है और हम जनता के साथ हैं इसमें। जनता की आशंकाओं कैसे दूर करेंगे जो जनता सवाल उठा रही है? देखिए, हमने जो डिबेट करी है इतनी देर में और जो पॉइंट्स बोले हैं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो ही हैं कि भाई इसको कैसे किया जाए कि जो जो जिस चीज़ से नेट न्यूट्रलिटी वायलेट होती है वो चीज़ ना इम्प्लीमेंट होए। और हर किसी ने इस बात का आह्वान किया है, इतने इतने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा, स्टेक होल्डर होगी, मंत्री जी ने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है। जैसे कि अरविंद जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के तकनीकी सेल से जुड़े हैं, उनका साफ कहना है कि वो पार्टी या सरकार जो है वो आम जन के साथ है और ऐसे में वो नेट न्यूट्रलिटी का जो है खास ख्याल रखा जाएगा। अभी हमारे साथ गोपाल कुमार जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। गोपाल पूछे अपना सवाल। गोपाल आप सवाल पूछे और अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें। मैं गोपाल कुमार उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोले सर। गोपाल आप अपने टीवी का बिल्कुल नहीं होते से क्या होता है, स्पेशली अभी गवर्नमेंट का मैक्सिमम, गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो भी चीज होता है सर, फॉर्म भरना या कुछ भी है, सब ऑनलाइन होता है। नेट न्यूट्रलिटी नहीं होने से क्या होता है सर कि वो सर्वर पूरा स्लो हो जाता है और हम लोग अपना काम नहीं कर पाते, जहाँ पे दो बार तीन बार करते हैं। यही बात सर टेलीकॉम कंपनी का इनकम का, तो एक दो साल से जब कपिल सिंगल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सॉरी आईटी मिनिस्टर थे, तभी से बात चल रहा था सर कि वन इंडिया वन प्लान आना चाहिए और रोमिंग खत्म होना चाहिए। आज दो साल हो गया, अभी नया मिनिस्टर साहब की कुछ बात नहीं करते हैं उस पर कि रोमिंग खत्म हो जाना चाहिए। उनकी जो टैरिफ होता है सर, अलग से टैरिफ लगाते हैं सब चीजों के लिए, इवन कॉल रेट सस्ती करने के लिए अलग से टैरिफ लगता है, और 2G 3G प्लान है उसका भी काफी कॉस्ट होता है, पहले तो काफी कम कॉस्ट होता था, अभी डबल ऑलमोस्ट हो गया है, तो कंपनी तो पूरा मुनाफा में जा रही है। बिल्कुल, आप गोपाल जी हम आपके सवाल को समझ गए हैं। अभी ब्रेक का समय हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे ही होगी कि आखिर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो तमाम तरह की बात करती है और जो सवाल है, और चूंकि प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, ऐसे में जब हर चीज ऑनलाइन है और उसमें इस तरह की बात उठना कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनती है। और हमारे जिस तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं वो बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों या कस्बों से आ रहे, तो ये अपने आप में चिंता जाहिर करती है कि लोगों तक ये बात पहुंच रही है, उन्हें जो नेट न्यूट्रलिटी है या इंटरनेट तटस्थता है वो उसका सवाल उन्हें जो है खाया जा रहा है या उसकी चिंता उन्हें सता रही है। छोटे से ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट तटस्थता की, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से गोपाल जुड़े थे ब्रेक से पहले। मैं पवन दुग्गल जी के पास आता हूं उनके सवाल को लेकर। जिस तरह से पवन जी वो सवाल उठा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद भी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और अब आम जन भी लगभग इस तरह से फ्रेंडली होता जा रहा है इंटरनेट, और वो सुविधा भोगी भी है। पहले लाइन में लगना, फॉर्म लेके आप जाते हैं, हैंड रिटर्न करते हैं, उसमें कुछ तरह की त्रुटि हो जाती थी, आजकल आप खुद अपना फॉर्म भरें ऑनलाइन और वो सबमिट हो जाता है और समय की भी बचत होती है और आपके हाथ में ही आपकी सारी चीज़ आती है। ऐसे दौर में इस तरह के जो सवाल उठते हैं और ऐसे समय पर जब हम इंटरनेट तटस्थता या नेट न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, तो किस तरह आप, जैसे कि हमारे सवाल आ रहे हैं, आप देखते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों से आ रहे हैं, तो चिंता कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच रही है। देखिए, चिंता जो है बिल्कुल बुनियादी है, क्योंकि आज जो सुविधा मैं इंटरनेट पर ले पा रहा हूं, हम सबकी उम्मीद है कि ये 10 गुना या 100 गुना बढ़ जानी चाहिए अगले 2 या 3 सालों में। लेकिन अगर हमको पीछे खींचने वाला कोई ऐसा फैक्टर आ गया जो आज की हमारी सुविधाओं को भी कहीं ना कहीं कम करेगा, तो जनता जनार्दन में आक्रोश भी आएगा, असंतोष भी आएगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर प्रत्येक राष्ट्र को इस तरह की जो पावर है लोगों की, उसका आभास होना पड़ेगा। अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन ने साबित कर दिखाया, वहां सरकार ने कहा आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, लोगों ने कहा आप इंटरनेट बंद कर दीजिए, हम ट्विटर के माध्यम से ऐसा रेवोल्यूशन लेके आते हैं जिसमें पॉलिटिकल चेंज होगा। तो भारत में जो पावर है वो बहुत जबरदस्त पावर है, और जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया का, वो कार्यक्रम का उद्देश्य ही है इंटरनेट को, डिजिटल माध्यम को
प्रत्येक भारतवासी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना, बिल्कुल, और उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी मुझे लगता है कानूनी प्रकरण होगा, वो उस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए बनाना चाहिए। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं एक लोगों में डिस्टर्बेंस, एक इनसिक्योरिटी सी भावना ले आती है, जो एक अलग तरह की चिंता दिख रही है वो कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि देश के ज्यादातर लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले उसको लेकिन सहज महसूस करें, ऐसे में ये चिंता सबब जो है वो दूर होनी चाहिए। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, संदीप चंडीगढ़ से। संदीप पूछे अपना सवाल। सर मैं तो सवाल नहीं वैसे कॉमेंट ही कर रहा था जी कि ये तो डायरेक्ट मनमानी करने वाली बात है सर। देखो पिछले 2 साल में इन्होंने डाटा के रेट किस एंगल से बढ़ाए हैं। 1 GB डाटा 96 रुपए के लगभग मिल रहा था 30 दिन की वैलिडिटी के साथ, जो 2 साल के अंदर अंदर कर दिया 155 रुपए में 500 MB 14 दिन के लिए वैलिडिटी इस तरह से घटाई है। रवि जी जो जनता जो है कहीं ना कहीं जैसे टेलीकॉम कंपनियां ये दलील दे रही हैं कि भाई हमें जो काफ़ी तरह की चुनौतियां मिल रही हैं इंटरनेट पे, अब कई ऐसी सेवाएं हैं जैसे व्हाट्सअप और कई जो कॉलिंग जो इंटरनेट कॉलिंग जैसी सेवाएं आई हैं उसने हमारी पुरानी परंपरागत जो चीज़ें थी उसको ध्वस्त किया है, ऐसे में हमें नुकसान होता है। लेकिन जो जनता जिस तरह से दलील दे रही है भाई ये भी एक बात है कि आपने समय समय पर अपने जो चार्जेस वो बढ़ाए हैं उनको, अगर उनको सेवा दिया तो शुल्क आपने बढ़ाया है समय समय पर, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं जनता को बहुत चिंता हो रही है कि इस विषय पर, और आप लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी विवाद करना चाहते हो कीजिए, जितना भी TRA के हिदायत होंगे या सिफारिश होंगे कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक ऐसा नेटवर्क बनाना विच गारंटीज नेट न्यूट्रलिटी अंतरजाल की निष्पक्षता, ये उसका निर्माण करना बिल्कुल असंभव है प्रौद्योगिकी के तौर से। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कंट्रीज विच हैव नेट न्यूट्रलिटी इन यूरोप ओनली नेदरलैंड हैज मैंडेटेड नेट न्यूट्रलिटी, USA इज स्ट्रगलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट, दे कांट इवन डिफाइन द कॉन्सेप्ट। यू हैव ओनली ब्राजील, मेक्सिको, ब्राजील, इक्वाडोर एंड चिली विच हैव नेट न्यूट्रलिटी। The whole of Europe has rejected net neutrality because it cannot be implemented. What is the point of having a big debate if you cannot technically implement net neutrality? Let me explain. All modern telecom networks are based on a 7-layer model. Which is called the OSI, Open Systems Interconnect. So the first is the physical layer, then is the data link layer, then is the transport network layer, then is the transport layer, then session, presentation and application. The internet operates on the third and fourth layers, which is the network and the transport layer. All right. The World Wide Web, which was invented in the 1990 by Timothy Berners-Lee, comes on the last layer, which is the application layer. Your videos and music, MIDIs, videos, MPEG streams come on the sixth layer, which is the presentation layer. These layers have to communicate with each other. Now, net neutrality, the way the US is defining it, means that each of these layers are to communicate with each other to the minimum level possible. So, on a technical level, I'm saying it is impossible to implement net neutrality. Ravi ji, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, मैं आधार पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिन देशों से इनका हो रहा है, मैं एक कॉलर को अरविंद जी ले लूं। अभी हमारे साथ परेश पांचाल जुड़े हैं गुजरात से। परेश जी पूछे अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार जी। नेट न्यूट्रलिटी के लिए ट्राई का क्या रोल है हमारे देश के अंदर? नेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंटरनेशनल कंपनियां भी है, अंतर्राष्ट्रीय ट्राई जैसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इंटरनेशनली इसको न्यूट्रलाइज का काम कर सकती है? एक ये है, और हमारे देश के जो यूजर्स है वो और विदेश के जो यूजर्स है तो उनके अंदर भी क्या डिफरेंसेस है? उनकी अलग अलग किस प्रकार की डिमांड होती है, उनको किस प्रकार का कंटेंट मिल रहा है और दिया जाना चाहिए भारत के लिए खास किस प्रकार का? एक एक बहुत बहुत सामाजिक मानसिकता भी नेट बदल सकता है, तो इसको किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं नेट को? धन्यवाद। पवन दुग्गल जी आप इनके सवाल का जवाब दें। देखिए बुनियादी बात तो सिर्फ वहीं निकल के आ जाएगी कि TRAI केवल एक रेकमेंडेटरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ना तो उसका काम कानून बनाना है, ना ही उसका काम हिदायतें देना, ना ही डिक्लेरेशन या डायरेक्शन देना है, सिर्फ रेकमेंडेशन देना, और रेकमेंडेशन फिर सरकार के पास जाएगी,
सरकार जो है वो फाइनली डिटरमिन करेगी क्या ये सही है क्या ये सही नहीं है, और अगर सही है तो हमें क्या कैसे बढ़ाने हैं कदम। देखिए, अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर इश्यूज, उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु और भी बहुत सारे कानूनी मुद्दे हैं, लीगल मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में नेट न्यूट्रलिटी के बारे में किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। यहां तक कि जितने भी रूल्स बने हैं भारत के आईटी एक्ट में, उसमें भी नेट न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी चर्चा में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये बुनियादी सवाल होगा कि भारतीय मापदंडों के अनुसार नेट न्यूट्रलिटी की परिभाषा क्या होनी चाहिए। दूसरा, किस प्रकार का नेट न्यूट्रलिटी मॉडल भारतवर्ष में चलेगा जब भारतवर्ष में इतना जबरदस्त मोबाइल वेब है जो उन किसी कंट्रीज में नहीं है जहां पर नेट न्यूट्रलिटी संबंधित कुछ प्रावधान लाए जा चुके हैं। तो ये तो काफी जबरदस्त, इसमें जब तक डिबेट नहीं होगा हम एकदम पुश बटन नहीं कर सकते कि आज बटन दबाया और कल जो समाधान सामने आ गया। इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत होगी। जैसे कि आपने दुगल साहब बताया कि जो ट्राई है वो कोई ऐसी संस्था नहीं है जो नियम बनाने वाली है, वो तो सिर्फ सलाह ले रही है। तो ऐसी स्थिति में जो सलाह देती है, एंड इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट टीआरए एज रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट टीआरए एज रिकमेंडेशन। बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे अगर हम ये सोचें कि नेट न्यूट्रलिटी के बारे में एक आमजन से भावना उभर रही है, अगर हम चर्चा के साथ ये देखें या जिस तरह से हमें कॉल आ रहे हैं या जिस तरह से हम इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे लोगों की राय देख रहे हैं, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? आप जो सलाह मांगी गई ऐसे स्तर पर लोगों को आप क्या करना चाहिए ताकि ट्राई हो जनता? हाँ, हमारे कॉलर साहब ने एक बहुत सवाल पूछा था कि क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई बॉडी है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो नेट न्यूट्रलिटी संबंधित जितने भी पहलू हैं देख रही है। हाँ, इंटरनेट में एक बॉडी है, इंटरनेट फॉर कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, यानी कि आईकैन, लेकिन उसका बड़ा जबरदस्त टेक्निकल रोल है। नेट न्यूट्रलिटी, कॉन्टेंट रेगुलेशन, पॉलिसी इशूज में आईकैन कभी भी दखलंदाजी नहीं देती है। तो ये प्रत्येक राष्ट्र का अपना नजरिया है कि वो अपने राष्ट्रीय टेरिटोरियल बाउंड्रीज में किस प्रकार की लीगल रिजीम लेके आना चाहता है नेट न्यूट्रलिटी को लेकर। हमारे कंट्री में ऑलरेडी एक तो संविधान है, और हमारा जो संविधान है वही जो दिशा निर्देश दिखाता है उसी दिशा निर्धारण की वजह से हमें जो कानून बनाने पड़ेंगे बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, हमारी जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, हमारी जो सोशल रियलिटीज हैं और टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बिल्कुल। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं एमके बट, जम्मू कश्मीर से हैं। बट साहब, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, आई एम एमके बट फ्रॉम श्रीनगर। एक एक्सपर्ट, देयर वाज एन एक्सपर्ट जस्ट नाउ, आई हर्ड अबाउट हिम, ही वाज टॉकिंग अबाउट द लेयर्स इन ट्रॉय, बिकॉज द इंटरनेशनल लेयर्स, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, internet, everything. But I want to tell to the respected expert that these are the commercial international commercial setups. The general people residing in the middle class, lower middle class people, they want the basic connectivity with the people to and fro. The farmers, the others, they cannot get in the call in try, in telecom. What messages are coming, what for they are coming. Main call kar raha hoon aapko kabhi, I call to the TV station, then comes the messages, pehle ye bhar do, then you go for this, then I, there's emergency, sometimes I cannot get the call connected. What is we talking about is for business classes, high class businesses, greatest industrialists, these are commercial things. These are, baaki government bolte hai, government ke representative bolte hai, we will trying. How far you are trying? You are trying always Congress, BJP, regulatory system, you go for the finishing touches, do it, done it. It is not America, it is India. This is a populous country, this is not America. They can do everything in the right direction. They are developed countries. We are facing downtrodden, the difficulties all around. But where do the international transport, resources, when we cannot get the people from lower classes, the basic rights in try. There are very loopholes in the system and these other fields. चलिए भट साहब, आपका सवाल हम समझ गए हैं, और हम अभी ब्रेक का समय हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने विशेषज्ञों से आपके सवाल के जवाब को जानने की कोशिश होगी। साथ में पवन दुग्गल जी ने जैसे कहा कि अभी तक नेट न्यूट्रलिटी जो है वो किसी कानून में परिभाषित नहीं है, और चर्चा में हम पहले भी बात कर रहे थे, तो क्या जैसे कि कहा गया है कि ट्राई जो एक ऐसी संस्था है जो या तो सलाह दे सकती है, सलाह ले सकती है, तो जब सरकार के पास ये जाएगा, चर्चा जब आगे बढ़ेगी, जब सलाह आएंगी, तो क्या सरकार इस बारे में आप सोचेगी? चूंकि इतनी आवाज इससे उठ रही है और ये भी एक चर्चा का विषय बन रहा है, तो क्या इसे भी कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा, और या किसके बारे में क्या कुछ सोचा जाएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद?
लीगल पॉइंट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट तटस्थता की। और अब ब्रेक से जाने से पहले हमारे साथ जम्मू कश्मीर से एमके भट्ट साहब जुड़े थे और उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल पूछा था। मैं मुदगल साहब के पास जाऊंगा। सर भट्ट साहब, आपने जो बोला है बिल्कुल मैं आपके साथ 100% अग्री करता हूं। इंडिया जो है, भारतवर्ष जो है, अमरीका नहीं है। यहां पर जो जमीनी हकीकतें हैं वो बिल्कुल अलग है और जो भी आपको नीति बनानी पड़ेगी जमीनी हकीकतों को मद्देनजर रखते हुए बनानी पड़ेगी। और यह भी बनाना पड़ेगा कि साहब ऐसा है, इस तरह की नीतियों से आपका जो डिजिटल इंडिया की विजन, जो पूरा राष्ट्र, पूरे दुनिया भर आज भारत की तरफ नजर टिकाए हुए, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो जाए। एक तो बड़े पुरानी हमारे यहाँ कहावत है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। आपको जो भी आपने पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जनता जनार्दन है उसकी जेब ढीली ना हो। क्योंकि अगर इस तरह के प्रस्ताव अग्री हो गए और इंप्लीमेंट हो गए तो आप और मैं, हम लोग तैयार हो जाएं कि ऑन एन एवरेज मंथली पर 150 से लेकर 350-400 रुपए प्रति माह प्रति कनेक्शन हम को एडिशनल देना पड़ जाएगा। कहां तक वो रेलेवेंट रहेगा, कहां तक वो सोशली इंपॉर्टेंट रहेगा भारत को अपलिफ्टमेंट करने में, ये तो सवाल का जवाब हम सबके सामने विदित है। तो काफी हद तक मुझे लगता है आपको डिबेट करने की जरूरत है और जल्दबाजी तो नेट न्यूट्रलिटी में करनी नहीं है। अगर अमेरिका पिछले 10 सालों से आज तक इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाया है तो भारत वर्ष में क्या ऐसी जल्दी है कि कुछ चंद हफ्तों में या चंद महीनों में कुछ कार्रवाई करनी हो। अरविंद जी, जो जैसे कि चर्चा हो रही थी कि जो आखिर में जो बॉल है वो सरकार के पाले में ही आने वाली है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम जिस लोक कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं वहाँ लोगों की अपेक्षा होती है सरकार से और कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम नेट न्यूट्रलिटी की बात करते हैं और जैसा कि पवन दुग्गल साहब ने साफ कहा है कि भाई अगर ये जो चर्चा चल रही है अगर इस तरफ आगे बढ़े तो हमें कहीं ना कहीं जेब ढीली भी करनी पड़ेगी आगे जाके, कई तरह की चिंताओं सबब का कारण ये बन रही है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं उस पर भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो आर्थिक असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आपका लगता है सरकार किस तरह का जो कदम उठाएगी? देखिए, इसमें अभी मैंने जो बात कही कि ये भी, ये और पवन जी ने भी ये बोला कि अभी ये डिस्कशन और डिबेट चालू हुई है, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। TRI अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक रिकमेंडेशन इकट्ठी कर रही है, उन्होंने कंसल्टेशन पेपर निकाला है, वो उनका प्रेरोगेटिव है। सरकार की तरफ से अलग से एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन आज हुआ है। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर अभी डिबेट चालू हुई है, सब स्टेक होल्डर्स को लीगल पॉइंट से, टेक्निकल पॉइंट से, कंज्यूमर पॉइंट से, टेलीकॉम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको इकट्ठे होकर इसकी एक पहले डेफिनेशन, बहुत क्लैरिटी की डेफिनेशन क्या है। हर कंट्री की परिभाषा डिफरेंट हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि कोई जो डेफिनेशन अमेरिका में अप्लाई करती है वो इंडिया में भी अप्लाई। बिल्कुल, मेरे लिए, हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पवन जी ने बोला, मैं बहुत बड़ा इसका प्रोपोनेंट हूँ कि कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमें डिजिटल इंडिया अचीव करना है जिसमें क्रिएटिविटी इनोवेशन सर्वाइव करेगी, तो ये जो इंटरनेट एक्सेस है ये पब्लिक यूटिलिटी की तरह बिल्कुल एकदम लोएस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, ये आदमी को खटकनी नहीं चाहिए। और इसमें नेट न्यूट्रलिटी अगर इस कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है तो ये तो सबसे पहला नो नो है। तो अभी कंसल्टेशन चालू हुई है, हम सबको इस पर बड़ा क्लियर और अच्छा स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं अभी ये भी एक ज़रूरी है नेट न्यूट्रलिटी रहे और जैसे कि आपने कहा लोगों को सुलभता से आर्थिक तौर पे मिलता रहे वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो दलील कंपनियों की तरफ से दी जा रही है ऐसे में वो कह रहा जा रहा है कि उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और हम आर्थिक सुधार की बात करते हैं वो भी एक अलग विषय है, उस पर भी सरकार गंभीर है। तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और उनकी उसके ऊपर मैं कमेंट ना करूं तो सरकार को दोनों तरफ बनाना होगा। नहीं नहीं, लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं करूं तो अच्छा रहेगा कि मैं उल्टी बात कहता हूं। एज अ इंटरनेट पर्सन फॉर लास्ट 20-22 ईयर्स मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि ये कंपनियों को इंटरनेट का रेवेन्यू एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, डेटा ऑफरिंग कर रहे हैं। आज डेटा क्यों जाता है, एक आदमी इंटरनेट पे क्यों जाता है? क्योंकि उसको एक नई सर्विस ढूंढने को मिलती है, एक एजुकेशन मिलती है, उसको नई सुविधाएं मिलती हैं, इसी के कारण तो लोग जा रहे हैं। कंटेंट के कारण ही इंटरनेट बढ़ रहा है। अगर कंटेंट को ही आप किल कर देंगे या लिमिट कर देंगे तो इंटरनेट बढ़ना ही छूट जाएगा। पवन दुग्गल जी, बात सही है, कंटेंट के कारण ही इंटरनेट बढ़ रहा है, हमारी जरूरतें वो पूरी करता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने देखा आगे भी लोग करते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में भी आप मोबाइल वेब का इस्तेमाल होते देख रहे हैं जिससे अपेक्षा नहीं की जाती थी। लेकिन जो चीज़ें हैं, मान लीजिए वो कहता है कि भाई हमारी SMS सर्विस थी उसे व्हाट्सएप जैसी एक सर्विस ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है,
कॉलिंग जैसी व्यवस्थाएं हैं वो जो है वो काफ़ी सस्ते दर पे उपलब्ध होती है वहाँ पे, और तो जो है कंपनियां टेलीकॉम कंपनियां कहती हैं कि हमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है। अगर हम उनके नज़रिए से सोचें तो उसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? देखिए, जो कंपनीज बोल रही हैं उसमें कुछ आधार हो सकता है और कुछ लॉजिक भी हो सकता है, लेकिन सवाल मैं आप अपने आप से पूछना चाहूँगा कि अगर मेरे दांत में दर्द है तो क्या मैं दांत के दर्द का इलाज करूंगा या पैर के इलाज करना शुरू कर दूंगा? यहां पर इशू अगर ये है कि नई ओवर द टॉप टेक्नोलॉजीज जो हैं OTT एप्लीकेशंस हैं, अगर उन्होंने आपका रेवेन्यू मॉडल ध्वस्त कर दिया है तो इशू ये नहीं है कि नेट न्यूट्रल होना चाहिए या हमें कस्टमर्स को ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। इशू ये होना चाहिए कि इस ओवर द टॉप एप्लीकेशंस को हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, जब चुनौतियां ये हैं कि ये जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं भारत के अंदर विद्यमान नहीं है, उनका ना तो दफ्तर यहां पर है ना किसी प्रकार से वो भारतीय कानून के अधीन हो जाते हैं। हालांकि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून स्पष्ट कहता है कि आप चाहे भारत में हो या ना हो, अगर आप सर्विसेज भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स पर दे रहे हैं तो आप इस कानून के अधीन हो जाते हैं। अब आपको वहां तो हिट जरूर हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं उस हिट को हम ऑफसेट करने के लिए हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करके हम ज्यादा पैसा मार्केट से उठा दें। मुझे लगता है कि जो बुनियादी प्रॉब्लम है हम कारपेट के नीचे धकेलते जा रहे हैं, जो बुनियादी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें रादर देन कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो इनसिक्योर कस्टमर है उपभोक्ता है उसको और इनसिक्योर बनाए कि साहब ऐसा है भी तैयार हो जाइए, अगले कुछ दिनों में कुछ सालों में आपका इंटरनेट का बिल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बिल्कुल, तो हम कार्यक्रम का अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। रवि जी, जो हमारी पूरी चर्चा रही नेट न्यूट्रलिटी के बारे में और तमाम तरह का, हमने यहाँ तक कि कंपनियों के भी पक्ष को समझने की कोशिश की, अब आप किस तरह से इसे पूरा जाते हुए देखते हैं? जो चर्चा है वो पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी है, चाहे हमारे स्टूडियो में हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, हम देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रही है, तो किस तरह जाते हुए देखते हैं? नहीं, ग्राहकों को अंतरजाल की अभिगम्यता सरल और कम दाम पर करना बिल्कुल फंडामेंटल अधिकार है, परंतु ये कुछ निरीक्षण हुए हैं कि ये नेट न्यूट्रलिटी अंतरजाल की निष्पक्षता के वजह से दाम बढ़ सकते हैं और कई बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जैसे कुछ ये सर्विस प्रोवाइडर्स कर रहे हैं कि देर पुटिंग गार्डन वॉल्स इन विच यू विल से दैट यू गेट सर्टन पैक्स फॉर फ्री, लाइक ट्विटर एक्सेस फॉर फ्री या फेसबुक फॉर फ्री, लेकिन उसके लिए वो दूसरे चीज के लिए 10 या 15 या 20 बार ज्यादा करेंगे। तो ऐसे कई चीजें हैं, कई ये टैरिफ बैलेंसिंग जो करना होता है बहुत अत्यंत कठिन समस्या है और इसका कोई सरल समाधान नहीं है। बहुत निरीक्षण करने हैं कि अगर नेट न्यूट्रलिटी ग्राहकों के लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए कल्याण करता है या हानिकारक है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अरविंद जी, इंटरनेट was created for the people by the people. No, it was created as a defense network. It was created by DARPA as a defense network for the defense sector. But it has been used as a. So please let me complete that. No, sorry. Or it is that was a protocol. See, there is a difference between creating the TCP/IP protocol and the internet. So let's not debate that here. But आज भी ये इसकी power लोगों के पास होनी चाहिए, हमें कोशिश करनी है कि लोएस्ट कॉस्ट पे सब लोगों के पास पहुंचे और एक समानता के साथ पहुंचे, समानता जो जो इंटरनेट और नेट न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन है। दुगल साहब, आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहेंगे नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, कि किस तरह से आप आगे जाते हुए देख रहे थे? कुछ बुनियादी लर्निंग्स सामने आई हैं। पहली बात, नेट न्यूट्रलिटी को विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा है। नंबर टू, जो कुछ करना है ध्यान से सोचबूझ के करना है। तीसरा, जो वर्तमान कानूनी प्रणाली है उसके तहत करना है। और चौथा, सारे स्टेक होल्डर्स के जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करके करना है। लेकिन पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तमाम सारी चीजों में हमें अपने उपभोक्ता, अपने नेटिजन को नहीं भूल जाना है, क्योंकि अगर हम उसी को इंपैक्ट कर देंगे तो इंटरनेट तो छोड़िए डिजिटल प्रोग्रेस में भी कहीं ना कहीं हानि आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये तो केवल एक वेकअप कॉल है, हम उठें, जागे हमारे आसपास क्या है और फिर कदम उठाएं ताकि हमारा इंटरनेट सुरक्षित रहे, जो ये ना केवल राष्ट्रीय बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है मानव मात्र के लिए, उसको हम सुरक्षित रखें और उसको एक हथियार ना बना दें जो कहीं ना कहीं असमानता या डिस्क्रिमिनेशन को परपेचुएट करे। बिल्कुल,
तो पूरी चर्चा का जो सार निकला है, आज हमने बात की नेट न्यूट्रलिटी या इंटरनेट तटस्थता के बारे में, वो ये कि जो ये हमारा हथियार है उसे हम बरकरार रखें, और साथ में जो आगे क्या कुछ होता है उस पर नज़र रहनी चाहिए, और सभी पक्ष जो है, जैसे ट्राई ने इस पर एक पत्र तैयार किया है, तो सभी पक्षों को का इसमें ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ में जो 25 करोड़ या उससे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना भी है डिजिटल इंडिया का, तो उसे भी हम बना के रखें ताकि हम और मजबूती से बनकर उभरे और इस जो नई तरह की चर्चा है नेट न्यूट्रलिटी पे वो बरकरार रहे। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए, चर्चा को जीवंत बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।